आदाब जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम, मैं हूं फारूक शनोमानी। इस वक्त मैं जलगांव के शिवाजी नगर में यहां पर मैं खड़ा हूं। आज 31 दिसंबर अल्पसंख्यक सेवा संघ के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जनाब जहांगीर ए खान के जन्मदिन के मौके पर मैं यहां पर आया हूं। जहांगीर खान साहब जो है वो अल्पसंख्यक सेवा संघ के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने अपनी संगठन के माध्यम से जन सामान्य लोगों के जो जितनी भी समस्या होती है, ग्राउंड लेवल की बोलो या जो भी समस्या है, उन्होंने हर तरीके से समस्या को हल करने का प्रयास अपने अपने हिसाब से किया है। हम उनसे बात करेंगे। जहांगीर भाई, आप अपने जन्मदिन के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी महाराष्ट्र और भारत के वासियों को संदेश देना चाहता हूँ, क्या 31 दिसंबर जो है हम शांतता से मनाना चाहिए। और मेरा ये जन्मदिन है 31 दिसंबर, और आने वाले 9 वर्ष की मैं सबको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राजेश जी, ये बताइए, जहांगीर खान साहब का जन्मदिवस है 31 दिसंबर और नया साल भी आज से शुरू होने वाला है, आप जहांगीर खान साहब के बारे में क्या बताना चाहेंगे और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज यहाँ पर हमारे भारतीय कामगार संगठन के उत्तर महाराष्ट्र के अध्यक्ष तथा कर्मचारी अधिकारी कल्याण संघ मंत्रालय मुंबई के महाराष्ट्र राज्य के जनरल सेक्रेटरी जहांगीर खान, इनका जन्मदिन है। मैं यहाँ पर भारतीय कामगार संगठन का नेशनल सेक्रेटरी और मंत्रालय कर्मचारी संगठन का राज्य अध्यक्ष के नाते से उनको बधाई देता हूँ। जहाँ तक कि जहांगीर भाई अपना प्रशासकीय सेवा में कामकाज संभालते हुए अपने गोर गरीब समाज की सेवा भी करते हैं, अल्पसंख्यक सेवा संघ के नाम की एक NGO भी चलाते हैं, उनका काम काफ़ी अच्छा है और मैं उनको बधाई देता हूँ जन्मदिन की। और आने वाले जो कल से नया साल शुरू हो रहा है, तो मैं आशा करूँगा क्या इससे और ज़्यादा अच्छा काम नया साल में जहांगीर भाई के हाथों से हो, ऐसे ऊपर वाले के मैं दुआ करता हूँ। पिछले 15 साल से जहांगीर खान और हम जलगांव के अंदर सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट की योजना है आम जनता की तरफ ले जाने के वक्त में जहांगीर भाई ने हमें हमारे साथ में काम किया हुआ है, और आगे भी उन्होंने जितने भी गरीब लोग हैं, तहसील ऑफिस असो, तहसील ऑफिस, महापालिका, कलेक्टर ऑफिस, माइनॉरिटी की जितनी भी स्कीम्स है, उसके बाद में सामाजिक न्याय विभाग की जो भी योजना है, ये सभी योजना का जो अभ्यास उनके पास अच्छा है, और प्रशासन में हम लोग काम करते वक्त उनके हमें बहुत बार मार्गदर्शन भी मिलता है। जिसको भी मदद चाहिए वो हक से जहांगीर भाई की तरफ जाता है, और उसी उम्मीद से जहांगीर भाई उनका काम कर देते हैं। और जहांगीर भाई के जो लग मित्र हमारे बहू और सब राजेश बहू और बांगी साहब और सबको जहांगीर भाई के जन्मदिन के लिए आप जहांगीर भाई को तो बधाई देते हैं, लेकिन आप सबको भी देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो हमेशा एक बड़े जो जहांगीर भाई है जो हमारे बड़े हैं, लेकिन आप लोगों ने उनको एक अपना समझ के, एक भाई समझ के पूरे जलगांव में उनके साथ में रहे, हर काम में जहांगीर भाई के साथ में रहे। जैसा मैं छोटा जहांगीर भाई का छोटा भाई है, तो मैंने हमेशा जहांगीर भाई ने मुझे जो मार्ग बताए कि तुमको इस लाइन से चलना है, राजकारण में भी हमेशा जहांगीर भाई ने हमको, हम पाँचों भाइयों को, चारों भाइयों को हमेशा सिखाया कि हमको क्या करना है, पहले बैठ के एक मशवरा कर लो कि हमको क्या करना है। मैं मुंबई से जब यहाँ पर आने के लिए नहीं था, मुझे जलगांव आना नहीं है, मुक्ताई नगर आना नहीं है, जहांगीर भाई ने बोला, हुक्म किया कि तुझे जलगांव जाना है, अदलाबाद जाना है, मुक्ताई नगर जाना है, और वहाँ जाकर तुझे राजकारण में सक्षम होना है। बोला भाई ये मेरे बस का काम नहीं है, बिजनेस मैन है। नहीं नहीं बोले, तुझे सक्षम होना है, वहाँ जाना है। और आज दोनों नगर सेवक के पद, पिछले बार ग्राम पंचायत के पद, तालुका अध्यक्ष पद, शहर अध्यक्ष पद और अल्पसंख्यक के सारे पद, वो जहांगीर भाई की दुआ से और जहांगीर भाई के मेहनत से ही मिला। और हमेशा जहांगीर भाई ने हमको हमेशा तालीम दिया, हमेशा व्यायाम सिखाया, हमको हमेशा बॉडी बिल्डर बनाने की कोशिश की है। रनिंग में हम दोनों भाई साथ में भागते थे, 10 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में, हमेशा भाई ने एक बड़े अब्बा जान के जैसा हमको साथ में लेकर चले और हमेशा हमको शिक्षण दिया, हमको बताया कि ज़िंदगी में कैसा जीना है।
और हम मेरे और मेरे परिवार के तरफ से और पूरी मुक्ताई नगर तरफ से मैं जहांगीर भाई को पूरी पूरी तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह इनकी उम्र बड़ी करे और इनके लिए और इनका और आगे वाला जो सफ़र है जो राजकारण का और समाज सेवा का ये सफ़र में पूरी तरह सफल हो, कामयाब हो, ये हम सबकी दुआएं है और उनको वापस बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक।